हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू मार्ग सत्य और जीवन है। तू अपने शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्ह को महिमा का चिन्ह बनाया। यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू भला गडेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हम हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान के महिमा तक पहुँचाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना। हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तू अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुत्थित जीवन के दिव्य रहस्यों में योग्यता पूर्वक स्वीकार करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तो अपने अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। Thank you.
की सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और सृष्टि का कर्ता है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही प्रेमिक और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादरी श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षो तथा धर्माध्यक्षो याजको तथा उपयाजको एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों तथा सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रति